सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य नगर परिषद बिजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य मंडल अध्यक्ष राम मनोहर तिवारी एवं समस्त पदाधिकारी भाजपा मंडल बिजावर। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य केशव फीलिंग स्टेशन बिजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। रोहित मोबाइल बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो ओप्पो सैमसंग रेडमी एमआई नोकिया सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। आज हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस, इस अवसर पर मैं अपने स्वयं की तरफ से पूरे विश्वविद्यालय की परिवार पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सागर क्षेत्र की जनता को इस अवसर पर सभी को अपनी हार्दिक शुभेच्छा मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय परिवार और ये सागर क्षेत्र का समाज दोनों मिल करके इस विश्वविद्यालय की प्रगति दोनों की विकास के लिए प्रयत्न करेंगे, विश्वविद्यालय को सहयोग करेंगे जिससे कि यहाँ जो पठन पाठन और शोध का कार्य हो सकता है वो अच्छी गुणवत्ता का हो और इसके साथ साथ हमारा विश्वविद्यालय समाज में जिस तरह के युवकों की आवश्यकता है, जिस तरह के चरित्रवान युवकों की आवश्यकता है, जिस तरह से व्यक्तित्वशील युवाओं की आवश्यकता है, उस तरह के युवा हमारा विश्वविद्यालय तैयार करेगा जिससे वो अपना जीवन यापन करने के साथ साथ समाज का हित और राष्ट्र हित में भी अपना योगदान कर सकें। मैं पुनः सागर क्षेत्र की सभी जनता को अपने स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व पर हार्दिक शुभेच्छा मंगल कामनाएं। सर, आपकी नई नियुक्ति हुई है, 4 साल से ज़्यादा का समय सागर में गुजारा है, किस तरह का सागर महल के सागर को आगे कहाँ देखते हैं? सागर विश्वविद्यालय के विकास की अपार संभावनाएं हैं। मैं यहां 18 मार्च 2015 को कुलपति का दायित्व ग्रहण किया था और आज 15 अगस्त 2020 मैं 5 वर्ष और 5 महीने के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति के दायित्व का निर्वहन किया हूं। मैं पूरा प्रयास किया कि हमारे विश्वविद्यालय के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, नए नए प्रोग्राम्स आएँ, ऐसे प्रोग्राम्स खासकर मेरा फोकस था जिससे कि युवाओं में कुछ स्किल डेवलपमेंट हो सके, उसमें कौशल विकास हो सके हमारे युवाओं में और वो कुछ न कुछ कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकें। और इसके साथ हमारे कम्युनिटी कॉलेज के अंदर 12 कोर्सेज चल रहे हैं और 6-7 कोर्सेज की अनुमति मिलना इस साल हमें पूरी संभावना है। बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, शिक्षकों की नियुक्ति क्योंकि विजिटोरियल इंक्वायरी चल रही है जिसकी वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के एकेडमिक प्रोग्राम्स में जो सुधारों की आवश्यकता थी, जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फुल सेंस में पूरे उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करना ये हुआ है और बहुत सारी उपलब्धियां हैं लेकिन मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर कुलपति के रूप में कार्य करने के दौरान हमें शहर का पूरा सहयोग मिला और बहुत अच्छे सामंजस्य हमारे विश्वविद्यालय और शहर के बीच रहा। शहर की जो अपेक्षाएँ थी उनको हम उसमें हम खरा उतरने की कोशिश किए हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी शहरवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना सहयोग देने के लिए और अपने सभी अधिकारियों और शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी साधुवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके विश्वविद्यालय के विकास में सब लोगों ने मिलकर के अपना योगदान किया। सर, नई नियुक्ति आपके लिए क्या कहेंगे? नई नियुक्ति के बारे में मैं बोलूँगा, मेरी जो फीलिंग है आज यहाँ 5.5 साल अभी और 3.5 से 4.25 वर्ष विद्यार्थी जीवन, तो आप समझें यहाँ करीब करीब 9 वर्ष का मेरा जीवन इस विश्वविद्यालय में है। अपने जीवन के 9 वर्ष बहुमूल्य विषय
मैंने इस विश्वविद्यालय में बिताया है और यहाँ पर जो मुझे शिक्षा मिली है डॉक्टर गौर साहब की कृपा से, उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका पूरा श्रेय इस विश्वविद्यालय को जाता है और इस विश्वविद्यालय की सफलता का जाता है। जहाँ तक मुझे नए दायित्व का सवाल है तो मेरी फीलिंग ये है कि मैं आज जिस दिन जाऊँगा, और अभी से मेरे मन में यह है कि मैं अपना मायका छोड़ के ससुराल जा रहा हूँ, और जिस तरह की फीलिंग एक लड़की की होती है जब वो अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती है, उसी तरह की फीलिंग मेरे मन में आ रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि लड़की जो है किसी भी समाज की, वो जब ससुराल जाती है तो अपने मायके की बुराई कभी नहीं करती, उसको मायके में जो भी है उसको हमेशा वो अच्छा ही बात करती है, अच्छा ही बोलती है। तो मैं इसी फीलिंग के साथ जिस दिन भी जाऊंगा इसी मानसिकता के साथ जाऊंगा, और मैं हमेशा ये चाहूंगा, और मैं इस दायित्व में, कुलपति की दायित्व में ना रहते हुए भी, मैं जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जो कुछ भी सामर्थ्य है मुझमें इस विश्वविद्यालय के करने के लिए, इस क्षेत्र की जनता को करने के लिए, मैं हमेशा करता रहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू। आधार कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए रोहित मोबाइल बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, एमआई, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला, 0% ब्याज पर, बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, होम डिलीवरी सुविधा, घर बैठे मोबाइल पाएं, मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, एयरफोन, मोबाइल रिपेयरिंग उचित रेट पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है आनंद भंडार के बाजू में बड़ा बाजार सागर।